हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूं पूनम और स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके सिनेमा टाइम ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी यहां पर SBI में अकाउंट खोलने तो देखती हूं न्यू। मेरा अकाउंट जो है SBI में नहीं है, सिंगल, तो सिंगल अकाउंट मुझे खोलना था। और डॉक्यूमेंट वगैरह मैं कुछ लेकर जा रही हूँ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, लेकिन वो सब मेरे जो है वो उत्तराखंड के हैं। अभी मैं अगरतला में हूँ, तो दूसरे स्टेट में वैसे तो खुल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा SBI वालों के नखरे भी होते हैं, वो नॉर्मल अकाउंट खोलते नहीं हैं। अब जाकर देखती हूँ, जो यहाँ का एड्रेस में है वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसे भी लेकर जा रही हूँ। अभी देखती हूँ कि अकाउंट खुलता है नहीं खुलता है, क्या होता है। तो आज मैं वही बैंक में जा रही हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि यहाँ पर अकाउंट खुलेगा, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि दूसरे स्टेट में अकाउंट खोलने में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई। और जो SBI वाले बैंक वाले होते हैं, ये इनके थोड़े से नखरे ज़्यादा भी होते हैं। तो चलो जाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट में मैंने लिए हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। सबके मैंने यहाँ पर फोटोकॉपी ले ली है। अपनी दो फ़ोटो रखी है, ये हस्बैंड की है, उनको भी कुछ काम है बैंक का। और ये मैंने एप्लीकेशन लिखी है, तो ये एप्लीकेशन मैंने जो है वो यूट्यूब से ही निकाल कर लिखी है। पूनम मेठानी, यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर डेट और यहाँ पर हमें अपने साइन करने हैं। तो ये एप्लीकेशन हमें यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, जिस चीज़ के लिए हमें बैंक का काम करना है। तो इसको मैंने घर से ही लिख लिया है, ताकि वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलो अभी चलती हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर क्या बोलते हैं वो लोग। चलो अभी हम लोग जाते हैं, फिर देखते हैं खुलता नहीं खुलता अकाउंट। अभी ऐसे कलर वाला कॉपी निकाला है इसका। पहले प्लेगिंग वाला फोन नहीं चल रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी बैंक में, जैसे मैंने आपको बताया था सुबह कि मैं बैंक में जा रही हूँ, तो डॉक्यूमेंट वगैरह सारे लेकर गई थी। वैसे हस्बैंड थे मेरे, वो पूछकर आए थे कि यहाँ पर हम लोग अकाउंट खोल सकते कि नहीं। तो उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि क्या SBI में अकाउंट है। तो SBI में मेरा अकाउंट तो है, लेकिन वो ज्वाइंट है हस्बैंड के साथ में। तो उन्होंने बोला ठीक है, वाइफ का खुल जाएगा। तो गए हम लोग सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर। तो उन्होंने बोला मैं जो आधार कार्ड था और पैन कार्ड था, उसकी ब्लैक वाली फोटोकॉपी निकाल के गई थी। तो उन्होंने कहा है ब्लैक वाला नहीं चलेगा, इसको आप कलर वाला फोटोकॉपी निकाल कर लेके आओ। हम उसको कलर वाला फोटोकॉपी निकाल के लेकर आए, सारा प्रोसेस हुआ। तो उसके बाद जब मैनेजर के पास गए हम लोग, तो उसके बाद उन्होंने बोला आपका अकाउंट है बैंक में। तो मैंने कहा नहीं, सिंगल तो नहीं है। तो बोले हाँ, ज्वाइंट निकल रहा है। अब उन्होंने वहाँ पर क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि आपका ज्वाइंट वाला अकाउंट है। तो हमने कहा हाँ जी, हमने बताया था कि हमारा ज्वाइंट वाला अकाउंट है, अभी मुझे सिंगल अकाउंट चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मुझे जानकारी नहीं है कि ये मतलब रूल है या फिर वो अपनी मर्जी से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट यहाँ पर नहीं खुलेगा, जहाँ पर आपका ज्वाइंट अकाउंट है वहीं पर आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, सिंगल वाला भी। अभी पता नहीं ये उन लोग का पर्सनल अपने बैंक का रूल है या फिर ये RBI का रूल है, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और मैंने कहा सर मुझे ज़रूरत है, मुझे यहीं पे अकाउंट खोलना है, क्योंकि फिलहाल हम लोग उत्तराखंड अभी नहीं जा रहे हैं, अभी हम छुट्टी नहीं जा रहे हैं, और मुझे ज़रूरत है तो इसलिए खोल रही हूँ। तो बोलते अगर ज़रूरत है तो आप लोग ऐसा करिए, अपने ब्रांच में उत्तराखंड में बात करिए मैनेजर से, और जो आपका ज्वाइंट अकाउंट है यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये मतलब काफ़ी कुछ झंझट है, तो बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी मैं पहले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि SBI में हमारा अकाउंट खुलेगा, और ये गवर्नमेंट की बैंक है जो SBI, इनके मतलब जो ये काम करते हैं ये काफ़ी नखरे भी करते हैं, इनसे अच्छा तो काफ़ी अच्छा मतलब प्राइवेट बैंक में होता है। तो उस बारे में भी हमें कोई भी जानकारी नहीं है। अब एक बार मैं अपने जो हमारे जो उत्तराखंड है वहाँ पर बैंक में बात करके देखूँगी। वैसे ये सब प्रोसेस अच्छा नहीं लगा, मुश्किल भी है, और एक बार उनसे भी बात करके देखती हूँ मैं कि क्या ये रूल ही है या फिर मतलब ये इन्होंने अपने बैंक का ऐसा रूल बना रखा है। लेकिन जो भी है फ्रेंड्स, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर कस्टमर को एक ही जगह अकाउंट रखना है, अगर हम लोग यहाँ से जाते तो मैंने यहाँ से तो ट्रांसफ़र ही करना है, तो ये लोग तो घर के अकाउंट भी यहाँ पर मंगवा रहे हैं। तो बहुत ये अच्छा नहीं है इनका रूल, जो भी है, चाहे बैंक का है चाहे RBI का, जो भी है। हाँ, तुम एक बैंक से दूसरे बैंक को कनेक्ट कर सकते हो कि चलो कितने अकाउंट है, क्या है, वो सब पे तुम नज़र रख सकते हो। लेकिन ये तो खराब है ना कि आप लोग त्रिपुरा में अकाउंट खोलना है तो आप लोग उत्तराखंड से जो है अकाउंट यहाँ पर बुलाओ। तो ये चीज़ मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और फिलहाल तो मेरा अकाउंट ओपन नहीं हुआ। तो देखती हूँ अभी मैं उत्तराखंड में एक बार बैंक मैनेजर से बात करके देखूंगी। पहले तो मैं रूल के बारे में जानकारी लूंगी, क्या ये RBI की गाइडलाइन है या फिर मतलब इनका अपना पर्सनल ये सब बना रखा है। और सच में बताऊं तो मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है मुझे।
और अगर होगा तो चलो देखते हो, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। इतना भी मुझे इमरजेंसी नहीं था, लेकिन मेरा सिंगल का था वो अकाउंट नहीं था, इसलिए खोलना चाहते थे। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप लोग को कोई भी जानकारी हो तो कमेंट्स में बताना ना भूलना।